इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। एक समय बीकानेर राजस्थान के सबसे आधुनिक और प्रगतिशील रियासतों में से एक था। महाराजा गंगा सिंह ने रेगिस्तान में पानी लाकर इस पूरे इलाके की काया ही पलट दी थी। आइए जानते हैं बीकानेर रियासत और महाराजा गंगा सिंह की कहानी। बीकानेर जो है, जो रीजन है, वो थार डेजर्ट के उत्तरी भाग में स्थित है। अराउंड 4-5 हज़ार साल पहले ये एरिया बहुत अलग दिखता था। या अभी जो घग्गर हकरा नदी जो हनुमानगढ़ जो बीकानेर के उत्तर में है वहाँ से बहती है, एक छोटा सा ऐसे नाला, ऑलमोस्ट अभी तो नाला ही बन चुका है, पर हरप्पन काल में ये बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, सरस्वती नदी। जो हमें अब हम अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है सरस्वती वैली सिविलाइजेशन या सरस्वती सिविलाइजेशन, तो एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी थी और इस नदी के तट पे बहुत महत्वपूर्ण सेटलमेंट्स थे, जैसे कि कालीबंगा, पीलीबंगा, और एक बहुत ही फलफूल रहा था, एक रिच एरिया था ट्रेड का, मतलब हरप्पन। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो उत्तर राजस्थान में हंड्रेड्स ऑफ साइट्स और माउंड्स मिले हैं हरप्पन सभ्यता के। पर क्लाइमेट चेंज के साथ नदी भी का बहाव खत्म हो गया और वो सभ्यता खत्म हो गई, रेगिस्तान बन गया, लोग यहाँ से निकल गए और इनफैक्ट यहाँ पे सारे उनके जो ट्रेसेस थे वो भी मिट गए। जब मध्ययुगीन भारत यहाँ पे शुरू हुआ तब इस पूरे एरिया को बुलाया जाने लगा जंगला देश, बिल्कुल एरिड डेजर्ट जगह था। यहाँ पे कुछ हार्डली खेजरी के झाड़ हुआ करते थे और ज़्यादा कुछ सिर्फ नोमैड्स यहाँ पे रहते थे, छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे जहाँ पे पानी होता था, ओएसिस में छोटे छोटे राजा थे। यहाँ इस एरिया का जो उत्तर का भाग है वो भाटी जो बहुत उस समय बहुत पावरफुल उनका राज्य हुआ करता था, जो जैसलमेर से लेकर भटिंडा तक फैला हुआ था। भाटी राजाओं ने इंटरेस्टिंगली जो ट्रेड और कॉमर्स जो उत्तर से आता था, तो उन्होंने भटिंडा का किला और जो भाटनेर का किला है आज का हनुमानगढ़, ऐसे किले बनाए थे। इट वॉज लाइक दो दरवाजे जो पंजाब से दिल्ली आने वाला ट्रेड रूट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक तरफ भटनेर का किला, एक तरफ भटिंडा का किला, और बीच में से वो ट्रेड रूट गुजरता था। और दक्षिण में एक भारत में आने का शॉर्टकट था जो डेजर्ट के बीचों बीच गुजरता था, जो था जैसलमेर। तो यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा पॉलिटिकल ऐसा कोई राज्य यहाँ पे नहीं था, लोग आते थे, ट्रिब्यूट मांगते थे, चले जाते थे। देखा जाए तो ये एरिया बिल्कुल बंजर रेगिस्तान और उसके बीच में ओएसिस, इसमें बसने वाले नोमैड्स, ट्राइबल्स, अलग अलग लोग, और यहाँ पे छोटे छोटे जाट चीफ्टन्स या जैसे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। और उत्तर में था भाटियों का राज और दक्षिण में जैसे आमेर है, मारवाड़ का राज्य है, उस तरह ये ऐसे राज्य थे। अराउंड 14वीं और 15वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो एक पूरे भारत भर में एक वेव चली थी और ये थी द भक्ति वेव, जो तमिलनाडु से शुरू होकर तमिलनाडु से कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से पंजाब ऐसे गई, जिसमें एक मिस्टिसिज्म जिसे बोलते हैं कि भगवान को आप बिना मूर्ति पूजा किए, बिना रिचुअल्स के एक डिवाइन कनेक्शन विद गॉड, ये एक ऐसी लहर शुरू हुई। और इस लहर में ही ऐसे बहुत से हम मिस्टिक्स कह सकते हैं, उन्हें साधु या संत कहना गलत होगा, बट हम कह सकते हैं ऐसे लोग जिनका भगवान के साथ एक कनेक्शन था, जिनके पास देवी शक्तियां थी और जिनके जो कन्वेंशनल रिलीजन या हिंदू धर्म की जो कन्वेंशनल
ट्रेडिशंस हैं उनसे हटके वो लोग उनको उनसे जुड़ते थे। उनमें से ही एक थी देशनो की करनी माता। तो करनी माता जो थी ना, लोगों को लगता है कि ये एक देवी का अवतार है या देवी है, बट एक्चुअली वो एक रियल पर्सन थी जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था और यहाँ पे रहती थी। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं कि लोग उनके दर्शन के लिए आए, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, लोगों को मदद की। और आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत ही ब्रूटल एरिया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लुटेरे आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, इन्वेजन्स हो रहे हैं। तो उस समय करणी माता का लोग उनके पास जाते थे, जो देशनो की करणी माता है, और उनसे उनके सहारा लेते थे एंड ऑल। तो यहाँ पे और नॉट ओनली करणी माता, इनफैक्ट अगर आप देखें तो अलग अलग जैसे बिल्लू जी है, गोगा जी है, तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ऐसे डिवाइन बीइंग्स इस समय थे। उसके साथ रियासतों का फॉर्मेशन भी हो रहा था। अब बीकानेर जो या जंगला देश के दक्षिण में ही जो मारवाड़ था, वहाँ पे मंडोर जो पुरानी राजधानी थी राठौड़ राजाओं की, वहाँ से हटकर राव जोधा ने जोधपुर करके अपना स्वतंत्र राजधानी बनाई थी। तो राव बीका जो थे वो राव जोधा जो जोधपुर के संस्थापक थे, उनके बड़े बेटे थे। और एक दिन पिता और पुत्र में झगड़ा हो गया और फिर राव बीका ने डिसाइड किया कि जिस तरह मेरे पिताजी ने बाहर जाकर अपना राज्य जोधपुर का और अपना शहर स्थापन किया था, मैं भी करूँगा। और हमें रेफरेंस मिलता है कि राव बीका फिर जंगला देश में आए और उन्हें देशनो की करणी माता का आशीर्वाद मिला। और उसी आशीर्वाद से अराउंड 1488 में राव बीका ने बीकानेर में अपनी राजधानी बनाई। बीकानेर क्यों? क्योंकि ये ओएसिस था और यहाँ पे पानी था, और डेजर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है पानी। तो यहाँ पे उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन बनाया और इसे बीकानेर उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। इनफैक्ट उसी साल जो उनके पिताजी है राव जोधा जोधपुर के, जिन्होंने मेहरानगढ़ का किला बनवाया था, उनका निधन हो गया। और ये कहा जाता है कि उनके पिता ने उनको प्रॉमिस किया था कि जो राठौड़ों की जो राजगद्दी है, चंदन का सिंहासन है, जो कनौज से जो राठौड़ों के पूर्वज लाए थे, और ऐसी काफ़ी जिसे हम एयरलूम्स कहते हैं, जो खानदानी सिग्निफिकेंस की जो चीज़ें हैं वो उनको देंगे। पर उनके जो छोटे भाई थे जो जोधपुर के महाराजा बने थे, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो राव बीका ने एक बड़ी फौज लेकर मेहरानगढ़ पर हमला किया और वो सारी जो चंदन का सिंहासन लेकर और सारे जो एयरलूम्स है लेकर वो बीकानेर वापस आ गए। और आज भी अगर आप बीकानेर का जो जूनागढ़ फोर्ट का जो म्यूज़ियम है, वहाँ पर आज भी ये एयरलूम्स हैं, वो डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। अब जंगला देश में एक शहर बस चुका था, और जब एक शहर बस जाता है तो फिर यहाँ पे ट्रेडर्स आना शुरू हो जाते हैं, आर्टिजन्स आना शुरू हो जाते हैं, गांव के लोग आते हैं अपना पेट पालने या अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो स्लोली स्लोली बीकानेर जो शहर है वो पनपने लगा। और उसके साथ क्या हुआ, एक नया रूट भी बीकानेर के थ्रू लोग जाने कैरावंस जाने लगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी समय जो हम आगे चल के जिनको मारवाड़ी कहा जाता है, ये जो शेखावटी के जो रीजन है, तो ओरिजिनली ये जो अग्रवाल, जो मोस्टली अग्रवाल कम्युनिटी के जो मर्चेंट जो हरियाणा में रहा करते थे, उन्होंने फिर ये जो बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ बीकानेर और जयपुर है, वहाँ पे जो हम शेखावटी, झुंझुनू, चूरू, ये जो सारे रीजन्स हैं, वहाँ पर ये सारे जो व्हाट जो पॉपुलरली हम मारवाड़ी टाउन्स कहते हैं, शेखावटी के टाउन जहाँ पे हवेलियाँ बनी हुई हैं, तो ये सारे लोग इसी समय यहाँ पे बसने लगे। और फिर आगे चल के ये बीकानेर और जयपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड रूट बन गया। अगर आप देखें तो लोग बोलते हैं शेखावटी की हवेलियाँ, मर्चेंट्स की हवेलियाँ, पर ये सारे बीकानेर जयपुर रोड पे स्थित है, उसका ये कारण है। तो इस तरह
बीकानेर एक बहुत प्रॉस्परस ट्रेड टाउन बन गया। तो जब प्रोस्पेरिटी बढ़ती है तो लोगों की नज़र भी आप पे पड़ती है। 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर के समय में काफ़ी जो राजस्थानी रियासतें हैं उन पर मुगलों का एक के बाद एक कब्जा होना शुरू हुआ। बीकानेर में जिस तरह आमेर के साथ मुगल एम्परर अकबर का सेटलमेंट हुआ था, उस तरह बीकानेर के साथ भी हुआ। और बीकानेर ने मुगल ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना मुनासिब समझा। वो ट्रिब्यूट दिया करते थे और मुगलों को मदद किया करते थे एंड ऑल। और सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरिटी जो बीकानेर की हुई वो थी महाराजा राय सिंह के समय में। राय सिंह मुगल दरबार के बहुत खास थे। उनको गुजरात में और बुरहानपुर में, मालवा में उनको जागीरें मिली थी। उन्होंने मुगलों को उनके जो दक्षिण के जो कैंपेन्स हैं उनमें मदद की थी, तो उन्हें काफ़ी संपत्ति, वैभव और शक्ति मिली। उसी के साथ उन्होंने जो एक पुराना किला हुआ करता था उसको रेनोवेट किया, उस पर एक ग्रैंड किला वहाँ पे बनाया जिसे चिंतामणि किला कहा जाने लगा। चिंतामणि इज द विश फुलफिलिंग मणि, जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो इस किले को चिंतामणि किला कहा जाने लगा। पर आज हम उसका नाम है जूनागढ़, बीकानेर का जूनागढ़ किला, मतलब पुराना किला जो बीकानेर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। तो इस तरह जूनागढ़ किले की स्थापना हुई और जूनागढ़ किले में ही अगले 200-300 साल तक से वहाँ पे बीकानेर के राजाओं ने सत्ता अपनी वहीं से चलाई। 18वीं शताब्दी में जब बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा, तब बीकानेर के राजा ऑलमोस्ट सेमी इंडिपेंडेंट हो गए थे। पर जैसे इंडिया में होता है कि जैसे बाहर के साथ आपकी किसी के साथ आपका कोई शत्रु नहीं है तो आप आपस में लड़ना शुरू कर देते हो, तो उसी तरह जैसलमेर के साथ और जोधपुर के साथ और बाकी लोकल ठाकुर के साथ राजाओं की झगड़े शुरू होने लगे और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। 1805 में एक सिग्निफिकेंट घटना हुई कि बीकानेर राज का एक बड़ा विस्तार हुआ जब महाराजा सूरज सिंह ने बीकानेर के उत्तर में स्थित भाटनेर का किला कैप्चर किया वहाँ के भाटी राजाओं के साथ, और वो पूरा रीजन पंजाब के बॉर्डर तक, आज का जो पंजाब का बॉर्डर है, वो पूरा अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि महाराजा सूरज सिंह ने भाटनेर का किला एक ट्यूजडे को, जो हनुमान जी का दिन है, उस दिन पे इस किले को फतेह किया था, इसलिए उन्होंने भाटनेर का नाम रिनेम करके हनुमानगढ़ रखा और आज भी हम उसे हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बीकानेर के बहुत झगड़े हुआ करते थे जैसलमेर के साथ, जोधपुर के साथ, ठाकुरों के साथ, तो उसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1818 में बीकानेर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन की। उसके बाद बीकानेर एक ब्रिटिश साम्राज्य के तहत एक प्रिंसली स्टेट बन गया। बाद में 1850s में जो राजा थे महाराजा डूंगर सिंह, उन्होंने जो सेकेंड अफगान वॉर है उसमें अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की। 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा डूंगर सिंह के बाद उनके छोटे भाई महाराजा गंगा सिंह बीकानेर की राजगद्दी पर बैठे, और राजगद्दी पर बैठने के बिल्कुल कुछ ही समय बाद 1889-90 का एक बहुत ही भयानक अकाल या फैमिन बीकानेर में आया। वो इतना भयानक था कि बीकानेर का 20% ऑफ 20% उसकी आबादी, इस अकाल में उनका देहांत हो गया। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, काफ़ी लोग बीकानेर छोड़कर चले गए, एक डीपॉपुलेशन हो गया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इसी समय हम जो मारवाड़ी कम्युनिटी है जिसकी हम बात करते हैं, जिन्होंने आगे जाकर कलकत्ता में और मुंबई में बिजनेसेस अपने सेटअप किए और एम्पायर्स बनाए, पर इसी समय यही कारण था कि जो फर्स्ट वेव ऑफ मारवाड़ी माइग्रेशन यहाँ से कलकत्ता की तरफ और फिर बाद में बम्बई की तरफ हुआ, तो ये उसी का कारण था। तो इस भयानक अकाल का महाराजा गंगा सिंह पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी ज़िंदगी का एक ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि
मेरी जो जनता है, मेरी जो प्रजा है जो इस रेगिस्तान में रहती है, उनके लिए मैं पानी कैसे लाऊं, बिकॉज पानी जो रेगिस्तान के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण था, वो जिंदगी और मौत का सवाल था उनके लिए। और पानी का एकमात्र सोर्स था जो पंजाब, जो उत्तर में पंजाब की नदियां हैं वहीं। और बट द प्रॉब्लम ये था कि जो पंजाब की सरकार है और बहावलपुर रियासत, उस समय जो नॉर्थ वेस्ट में, बीकानेर के नॉर्थ वेस्ट में बहावलपुर रियासत होती थी, वो नहीं चाहते थे कि अपना पानी बीकानेर के साथ शेयर करे। इनफैक्ट अभी भी ये सब डिस्प्यूट, पंजाब और हरियाणा में डिस्प्यूट है, इंडिया और पाकिस्तान में पानी के लिए डिस्प्यूट है, तो उसी तरह वो नहीं चाहते थे आगे। और उन्होंने बहुत नेगोशिएशंस किए, एक प्रोजेक्ट था कि वो पानी लाए, जो इन नदियों का पानी लाए, पर वो आगे कुछ फाइल नहीं बढ़ पाई। इंटरेस्टिंगली एक महायुद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसने बीकानेर की काया पलट हुई, इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तब बीकानेर ने और महाराजा गंगा सिंह ने बहुत बड़े तौर पर अंग्रेजों की मदद की, बहुत पैसा, बीकानेर की जो आर्मी थी वो अंग्रेजों के बिहाफ पर लड़ी। और हम ये समझ सकते हैं कि बीकानेर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा कि जो बहुत ही फेमस ट्रीटी ऑफ वर्साय है 1919 की, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जर्मनी के साथ खत्म किया, उसे साइन करने वाले महाराजा गंगा सिंह और बीकानेर एकमात्र भारतीय थे। और इससे उनका, बीकानेर का और महाराजा गंगा सिंह का प्रेस्टीज पूरे, ना ही ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में उनका एक नाम हुआ। और सडनली जो इतने सालों से जो इस इरिगेशन प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हिल नहीं रही थी, वो उनके फेवर में सब हिलने लगी। उन्होंने 1920s में इसका काम शुरू हुआ, एक कनाल का, जो पंजाब की नदियों का एक पानी एक कनाल के थ्रू बीकानेर के जो उत्तरी क्षेत्र है जी, अनूपगढ़ और ये जो हनुमानगढ़ और ये जो सारा एरिया है आज का, उस पर लाया जाए। और अराउंड 65,000 एकर्स इस कनाल से इसका प्रोजेक्ट था जो इरिगेट किया जाना था। और उन्होंने पैसा रेज किया, अराउंड 5 करोड़ रुपए उस समय के, अभी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मे बी इट इज 5,000 करोड़ आज के, और खर्च करके ये इरिगेशन कनाल बनाया गया। कनाल के साथ उन्होंने 157 किलोमीटर्स की रेलवे बनाई रेगिस्तान में। उन्होंने पोस्ट ऑफिसेस, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स थी देशनोक में, और एक जगह पर एयर स्ट्रिप्स उन्होंने बनाई, पोस्टल सर्विसेज उन्होंने बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और आप अगर अगर आप बीकानेर से उत्तर में जाते हो तो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट दृश्य और चौंकाने वाला दृश्य आपको दिखता है कि छोटे 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 गाँव हैं और रेगिस्तान के बीच में, पर वहाँ पे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है और सारी सुविधाएं हैं। और ये आपको बताता है कि महाराजा गंगा सिंह का कितना फॉरसाइट था और उन्होंने क्या काम किया। 1925 में कनाल का काम कंप्लीट हुआ और उसका उद्घाटन करने के लिए लाखों लोग देखने के लिए कि किस तरह रेगिस्तान में पानी आ रहा है। और महाराजा गंगा सिंह ने सोने का हल चलाया और उस समय जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे वो संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे थे। और इससे जो उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी बीकानेर का जो क्षेत्र है, जो जंगला देश हुआ करता था, वो बिल्कुल हरा भरा हो गया। उनका यही इतना ही नहीं, जो भकरा ननगल डैम है जो 1950s में भारत की आज़ादी के बाद सबसे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है, उसका ओरिजिनल जो प्लान था वो महाराजा गंगा सिंह ने सोचा था, जो बाद में फिर 70s में इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ाया। तो ओरिजिनली वो 1930s में उन्होंने इमेजिन किया था। कनाल ही नहीं, उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच एक कनाल कॉलोनी भी खोली जिसकी लोग, व्यापारी और वो सब आके यहाँ पे बस सके। ना अभी हम देखते हैं सऊदी अरेबिया में, दुबई में जो शेख है वो डेजर्ट के बीच में सिटीज बना रहे हैं, पर ये सेम थिंग महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में श्री गंगानगर स्थापित करके, ये शहर स्थापित करके किया था।
अनफॉर्चुनेटली 1943 में महाराजा गंगा सिंह की कैंसर से उनका निधन हो गया, और उनका जो बिलव्ड प्रोजेक्ट था भाखरा डैम का, वो उस समय वो नहीं थे वो देखने के लिए. इनफैक्ट लोग कहते हैं कि उनका जो आखिरी उनके जो शब्द थे उनके निधन के पहले वो थे ब्रिंग मी द भाखरा डैम फाइल. तो जब वो उनका निधन भी हो रहा था तो वो अपनी जनता के बारे में ही सोच रहे थे कि वो उनके लिए पानी कैसे ला सके. महाराजा गंगा सिंह जी के निधन के बाद उनके बेटे महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर की राजगद्दी पर बैठे. महाराजा शार्दुल सिंह ने ज़्यादा दिनों तक बीकानेर पर राज नहीं किया, बिकॉज 1947 में भारत आज़ाद हो गया और बीकानेर विलीन हो गया भारत में, और कुछ ही समय बाद उनका निधन भी हो गया. पर भारत, आधुनिक भारत बनाने में भी महाराजा शार्दुल सिंह ने, जो उनका छोटा राज्यकाल था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया. लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं कि जब रियासतें विलीन हो रही थी तो जो भोपाल के नवाब है, नवाब हामिदुल्ला खान, तो उनका एक प्लान था कि जो रियासतें हैं उन, जो हिंदुस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, और ये जो सारी रियासतें हैं उनको जोड़कर हम राजस्थान करके एक अपना एक डोमिनियन या राष्ट्र बनाएंगे. या फिर दूसरा प्लान था कि वो किसी तरह ये करके भोपाल को पाकिस्तान के साथ लिंक करे. पर उस समय महाराजा शार्दुल सिंह ऑफ बीकानेर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया बाकी प्रिंसेस को कन्विंस करने में कि हमें भी अपनी रियासतें भारत में ज्वाइन करनी चाहिए. और सरदार पटेल का नाम आता है यू नो इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पर हमें महाराजा शार्दुल सिंह को भी अपना क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई. दूसरी बात ये कि जब पंजाब का पार्टीशन हुआ, जो रेडक्लिफ लाइन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज का विभाजन हुआ, तब फिरोजपुर जो आज का फिरोजपुर है पंजाब का, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और जो पाकिस्तान को जाने वाला था. तो बात ये थी कि जो गंगा कनाल की जो वर्क्स हैं, जहाँ से पानी दक्षिण में जो डाइवर्ट होता था, वो सारे जो लॉक्स थे जो नदियों के, वो सब फिरोजपुर में थे. और तब महाराजा शार्दुल सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन, जो उनके दोस्त थे, उनको बताया कि देखिए, अगर फिरोजपुर पाकिस्तान में जाता है तो आई विल हैव नो ऑप्शन, पर बीकानेर को पाकिस्तान को ज्वाइन ही करना पड़ेगा, बिकॉज हम सब प्यास, हमारी बीकानेर की जनता प्यास से मर जाएगी. तो आपको अगर यू नो बीकानेर को बचाना है, बीकानेर की जनता को बचाना है, तो आपको कुछ भी करके फिरोजपुर को इंडिया में लाना ही पड़ेगा. और वो नेगोशिएशंस हो गए, उसकी एक अलग कहानी है कि, और उसके बाद फिरोजपुर का जो प्लान है उसे बदल कर फिरोजपुर भारत में आया. और उसके बाद जो बीकानेर रियासत है वो राजस्थान में विलीन हो गई. उसके बाद के जो महाराजा शार्दुल सिंह के बाद के जो महाराजा थे डॉक्टर करनी सिंह, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. उन्होंने ट्रस्ट बनाया ताकि जो बीकानेर का जो हेरिटेज है वो प्रिजर्व हो सके. आज भी जब आप जूनागढ़ किले में जाते हो, जो म्यूजियम है, वो पारिवारिक जो उसी राज परिवार का जो ट्रस्ट है. और फिर नॉट ओनली दिस, जो महाराजा करनी सिंह की जो ग्रैंड डॉटर है वो सिद्धि कुमारी जी एंड ऑल, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. तो अभी भी आज भी बीकानेर पनप रहा है. पर अगर आप देखें तो बीकानेर राजस्थान के सबसे समृद्ध, सबसे प्रॉस्परस शहरों में से एक है. आज अगर आप देखिए रेगिस्तान के बीच, आप एक कॉन्ट्रास्ट देखते हो जैसलमेर और बीकानेर के बीच में, जो इंडस्ट्रीज आई हैं वहाँ पर बीकानेर में, जो भुजिया का दुनिया भर में आप इमेजिन करो बीकानेर से एक्सपोर्ट होता है. तो पर ये जो सारी प्रॉस्पेरिटी है वो महाराजा गंगा सिंह जी के वजह से है, जो उत्तरी राजस्थान की प्रॉस्पेरिटी है. तो हम आशा करते हैं कि जो महाराजा गंगा सिंह जी को उनका जो ड्यू नहीं मिला है, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स एंड द मोस्ट बिलव्ड किंग्स ऑफ इंडिया, हम कहते हैं कि वो सच में राज ऋषि थे, तो उन्हें अपना ड्यू इतिहास में मिले.